नमस्कार, एचबीसी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शेखर चौधरी। एक फिल्मी गीत काफी चर्चित हुआ था, दम मारो दम मिट जाए गम। इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि अब अधिकांश लोग गम मिटाने के लिए दम का सहारा लेते हैं। अब वो गांजा, अफीम, स्मैक, हीरोइन या और बहुत कुछ। लेकिन अब तो ये नशा छोटे छोटे गांव और कस्बों में बड़ी आसानी से मुहैया हो जाता है। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो नशे का कारोबार अब जमीन के अंदर तक अपनी जड़ें जमा चुका है। मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में जानलेवा जहर हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। स्मैक, हीरोइन और अन्य नशीले पदार्थ भवानी मंडी शहर में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे बिकते अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नशे के बावजूद वो अभी भी कुंभकर्णी नींद में है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। भवानी मंडी अब नशे का अड्डा बन चुकी है। स्मैक और हीरोइन की शरण स्थली बन चुकी है। यहाँ मौत का सामान आसानी से मिल रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनकर रह गई है। महज 5 मिनट में ही ये जहर कोई भी खरीद सकता है। आज भवानी मंडी शहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफीम और इससे तैयार होने वाली हीरोइन और स्मैक की तस्करी के लिए बदनाम हो रहा है। जिस स्तर पर यहाँ से स्मैक की तस्करी हो रही है, उसी के अनुपात में यहाँ इस नशे का सेवन करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह जहर आसानी से मिल रहा है। यही कारण है कि कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ सहित पूरी हाड़ौती और इससे सटे मध्य प्रदेश के लोग भी यहां आसानी से नशा खरीद रहे हैं। इस नशे की सच्चाई जानने के लिए जब हमने एक स्मैक जी से संपर्क किया तो उसका कहना था, भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे दो तो मैं अभी 5 मिनट में लेकर के आता हूँ। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। उसको पैसे देने के कुछ मिनटों के बाद ही मौत के सामान के साथ हमें बताए अपने ठिकानों पर पहुंच गया। वो आदत पटक दी किसी ने? पटक दी ये कोई था पानी बेचना ला, उसने दो एक काड़ी लगा लगा। कितने रुपए की इसमें पी लेते हो? मैं कम से कम 200 रुपए की पी जाता हूँ। 200 रुपए कहाँ से आते हैं कमाने के लिए? सर जी मैं किताब बेच के ना गुजारा करता हूँ बस। और तो किताबें बेच के गुजारा करते हो, इसमें पीने आ जाते हो भवानी मंडी। पत्नी कहाँ है तुम्हारी? मेरी पत्नी को रतलाम तरफ ले गए जब 7 दिन तक नहीं आई। हालांकि इस जहर के कारोबार को रोकने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय है, राजस्थान पुलिस का लंबा चौड़ा जाप्ता है, लेकिन इस तरह आसानी से स्मैक की उपलब्धता इनकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देश में यही है, एक को बंद करते हो 3 आदमी खड़े हो जाते हैं। अपराध में ये होता है, अपराध जगत का ही है, अपराध कभी खत्म नहीं होता। आप एक को बंद करोगे दूसरा आदमी खड़ा जाएगा, दूसरे तीसरा, क्योंकि ये अपराध कभी नहीं करेगा। कोई हमारे पास कोई ठोस जानकारी देगा कार्रवाई की? हालांकि समय के साथ साथ अफीम की पैदावार कम होती जा रही है और इसके चलते इसके दाम भी बढ़ रहे हैं। और इस नशे के शौकीन, कचरा बीनने वाले, मजदूरी करने वाले अब नशीली दवाइयों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने इसमें नशा ढूंढ लिया है और मेडिकल का व्यवसाय करने वाले ज्यादा लाभ के लालच में इन नशीली दवाइयों को आसानी से बेच भी देते हैं। हमारी आंखें तो जब फटी रह गई जब इस स्मैक जी ने एलर्जी के लिए लगाए जाने वाले इंजेक्शन में स्मैक डालकर गर्म करके उसे मिलाया और फिर उसे इंजेक्शन में भरकर लगाना शुरू कर दिया। इस तरह का जहर अब जानलेवा साबित हो रहा है। ये कह सकते हैं कि कुछ दवाइयां हैं जिनसे नींद आती है, दिमाग की एक्टिविटी को कम करती है, उन दवाइयों को आदमी नशे के रूप में काम में ले सकता है। नाम्बोज है, कोर्टविन है, नार्गन है, लोपेज है, सेरेनेस है, इन सब दवाइयों की वजह से इंसान को नींद आती है जिससे वो रिलैक्स फील करता है। तो इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि हाल ही में मध्य प्रदेश गरोट एनसीबी ने यहाँ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक इन्हें भवानी मंडी के कुछ दिग्गज राजनेताओं का संरक्षण भी हासिल है। ऐसे में सवाल यह है कि ये जहर आखिर कब तक मिलता रहेगा और कब तक ये समाज दूषित होता रहेगा और कब तक इस देश का युवा इस नशे का शिकार होता रहेगा। देखा आपने, विक्रम ने अपनी पीड़ा सुनाई है और जिस तरह से आसानी से इसमें भवानी मंडी, कोटा, रामगंज मंडी मिल जाती है, ये पूरे
पूरे लोग ये चाहते हैं कि ये इनका इलाज कराएं, ये इनके इलाज के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन इनके इलाज के लिए ना तो कोई समाज सेवा संस्था आगे आती है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को आती है कि यहाँ जब डिवाइस पे बजरंग सिंह शेखावत थे, उन्होंने कुछ शिविर लगाया था जिनमें कई स्मैक पीने वाले ठीक हुए थे, लेकिन भवानी मंडी के ये 25-30 स्मैक जी इस तरह से रोज सुबह 10 बजे, 4 बजे, 5 बजे आकर 100 रुपये, 200 रुपये रोज की स्मैक पीते हैं। अब ये देखना होगा कि भवानी मंडी में स्मैक आसानी से कहाँ से मिलती और पुलिस प्रशासन इस पर कितना ध्यान देता है। मैं लोकेश मकवाना, SBC न्यूज से। तो देखा आपने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुटकों पर तो रोक लगा दी, लेकिन फिर भी वो धड़ल्ले से जारी हैं। लेकिन इसी का दूसरा पहलू अगर देखें तो भवानी मंडी में किस तरीके से खुलेआम ये सफेद जहर सड़कों पर बिखरा है, गलियों में बिखरा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो खड़ा हो जाता है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पर खड़ा हो जाता है कि आखिर क्यों इस तरीके की जो नशे हैं, इस तरीके के स्मैक जैसे नशे वो बिक रहे हैं, जिसकी जड़ों में कह सकते हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं, जैसा आपने देखा भवानी मंडी में जड़ों में, यहाँ की जमीनों में ये स्मैक घुस गया है, यहाँ की गलियों में देखा आपने, 100-100 रुपए, 200 रुपए खर्च कर एक गरीब आदमी कैसे भी पैसे का अरेंजमेंट करता है, पैसे की व्यवस्था करता है और स्मैक पीता है। हालांकि देखा जाए तो कई लोग ठीक होना चाहते हैं, लेकिन इस नशे की गर्त से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर इलाज के लिए शिविर जो है, नशा मुक्ति केंद्र जो है, वो नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या कर रहा है हमारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, क्यों इस तरीके के नशे, इस तरीके का सफेद जहर आसानी से मुहैया हो जाता है। बड़ी बात है एक कि आसानी से ये चीज मिल रही है, जिसको तरह तरह से आदमी यूज कर रहा है, अफीम हो, गांजा हो, स्मैक हो, नशे के इंजेक्शन तक लिए जा रहे हैं। एक बड़ी बात है यहाँ पर कि नशे में इस कदर आदमी डूब जाता है कि वो कहीं ना कहीं चोरी करके, डकैती करके, तमाम अपराधों की तरफ भी मुड़ जाता है अगर उसको ये नशा नहीं मिलता है, अगर उसको इस तरीके के इस नशे को करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने अनुभव बता सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। अगर आपके साथ भी किस तरह का कोई वाक्य घटित हुआ हो, आपका अनुभव हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। SBC न्यूज ने इस मुहिम को उठाया है, इस नशे से इस भवानी मंडी को वो मुक्त कराना चाहता है, जिसकी वजह से हमने ये मुहिम चलाई है कि आखिर क्यों। साफ तौर पर एक सवालिया निशान नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पे, प्रशासन पर खड़ा हो जाता है कि एक तरफ तो आप गुटकों पर पाबंदी लगा देते हैं क्योंकि कैंसर की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर इस तरीके के नशे खुलेआम बिकना एक अपने आप में बड़ी बात है, एक शर्मनाक बात है। आम युवा, आम लोग कह सकते हैं, रिक्शे वाले, ऑटो वाले तक इस चीज में इस तरीके से घुस जाते हैं कि उनको ना तो अपने परिवार का ध्यान रहता है और ना ही अपने धंधे पानी का। उनको सुबह सुबह से सिर्फ एक ही नशे की लत है, वो है स्मैक, जो कि उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये मिल रहा है गुटकों में, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, एक चमकीला सा पाउच है जिसके अंदर ये उसको उपभोग कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। देखिए किस तरीके से इंजेक्शन, नशे के इंजेक्शन में स्मैक मिलाकर लिया जा रहा है। तो इससे आप साफ देख सकते हैं, इस तरीके से अनुभव लगा सकते हैं कि किस कदर ये नशा हावी हो चुका है भवानी मंडी के लोगों पर। और आपको बता दें, आप कॉल कर सकते हैं, आपके अनुभव हमारे साथ बांट सकते हैं, हमारी फोन लाइन्स खुली हुई हैं। बहुत बड़ी बात है ये भवानी मंडी में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफीम और इसे तैयार होने वाले हीरोइन और स्मैक की तस्करी के लिए ये बदनाम है। और इटावा से श्री प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्री प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? शिव प्रकाश जी, आज हम देखते हैं कि राजस्थान में दिनों दिन नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है जी, जिसका प्रमुख कारण यह है कि सर आबकारी विभाग, पुलिस और प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। लोग खुले में नशा करने के साथ साथ खुले में नशे का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति होती है सर। पुलिस की निगाह में कई जगह कच्ची शराब बनाई जाती है सर, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। हम देखते हैं सर, राजस्थान में अधिकांश नशे का कारोबार उन बच्चों से करवाया जाता है जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है। जी शिवप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शिवप्रकाश जी ने बताया किस तरीके से प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है और ऐसे बच्चों से वो काम कराया जाता है जो कि जिनकी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है। और कामा से लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
सर ये कहना चाहते हैं कामा में अभी भी धड़ल्ले से गुटखा बिक रहा है, ये जो मंत्री जी ने गुटखा पे जो रोक लगाई है ये इससे रुक नहीं रहा है, इसके लिए अभी एक टोल फ्री नंबर उनको जारी करना होगा जिससे कि गुटखे की शिकायत की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि गुटखा अभी भी धड़ल्ले से बिक रहा है, वाकई अच्छी बात कही है, टोल फ्री नंबर होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्मैक जैसे नशा, स्मैक जैसा जो कि आदमी को अंदर से खत्म कर देता है, पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, युवा उसमें घुसता चला जाता है, उसको होश नहीं रहता दीन दुनिया का, इस तरह के नशे खुलेआम सफेद जहर जिसे बोला जा सकता है, वो खुलेआम भवानी मंडी में बिक रहा है। एक बड़ी बात है प्रदेश में इस तरीके से इसे नशे का खुलेआम बिकना और प्रशासन की कान तक जू नहीं रेंगना एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि किस कदर ये खुलेआम बिक रहा है और जो बेचने वाले दुकानदार हैं वो महज कुछ चंद पैसों के लिए जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उदयपुर से हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे आप? दिखाया आपने जी वेरी गुड प्रोग्राम, आई एम हैप्पी इन योर प्रोग्राम जी, कि इस भवानी मंडी में बढ़ते हुए स्मैक के नशे को आज तक किसी चैनल ने कवरेज नहीं किया जी, और आपका चैनल जस्ट लाइक मेरे को बहुत पसंद आया क्योंकि आपने इस बाल की भवानी मंडी की बाल की खाल निकाल ली जी। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सभी लोग इस चीज से नाराज हैं कि वाकई क्यों इस तरीके के नशे प्रदेश में बिक रहे हैं जबकि गुटकों पर बैन लग गया है। एक बहुत छोटी बात थी लेकिन अफीम गांजा जिस तरीके से खुलेआम बिक रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से इसको उपभोग कर रहे हैं और इतनी गंदी लत पड़ गई है कि सुबह, जैसे कि हमारे आपने देखा, हमारे संवाददाता ने बताया था कि सुबह से शुरू हो जाते हैं लोग इसको लेना, इसको उपभोग करना, और कह सकते हैं कि शायद इसके बिना उनका शायद दिन की शुरुआत नहीं होती है, वो इस कदर इस नशे में डूब जाते हैं। उसके बाद और आपको बता दें कि सिर्फ भवानी मंडी की ये बात नहीं है, पूरा देश और प्रदेश इस बीमारी से, इस नशे रूपी बीमारी से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन को सजग होने की जरूरत है, एक ठोस कदम लेने की जरूरत है कि आखिर क्यों इस तरीके के नशा है वो बिक रहा है खुले आम समाज में, जो कि समाज को गंदा कर रहा है, बीमार कर रहा है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को एक सवाल निशान खड़ा हो जाता है कि क्यों आखिर वो कोई कदम नहीं उठा पा रहा है, क्यों या तो माना जाए कि वो बेबस हो चुका है इस नशाखोरी के आगे, या फिर कहीं ना कहीं रसूखदारों का भी हाथ इसमें माना जाए, ताकि वो जिससे कि हमारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इन पर हाथ डालने से कतरा रहा है। और भवानी मंडी से रामेश्वर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रामेश्वर जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने प्रोग्राम जो टीवी में दिया है बहुत ही अच्छा, इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा जी, कि इतना बढ़िया जो प्रोग्राम आपने, इससे लोगों में जागरूकता आएगी जी, और एक जो नशा है वाकई में भवानी मंडी के लिए मतलब एक बहुत ही दुखदायी चीज है। इसकी वजह से क्या आम लोगों को काफी परेशानी होती है, भवानी मंडी की बदनामी होती है जी, कुछ लोग उनके निजी स्वार्थ के लिए जो है देश के युवाओं की जिंदगी खराब कर रहे हैं जी। रामेश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वाकई बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। महज इसको एक खबर के लिहाज से मत देखिएगा, एक चिंता का विषय है ये। भवानी मंडी से प्रमोद जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे? नशे के कारोबार पे आज एचबीसी न्यूज में जो आपका रिपोर्ट आई है जी, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले तो जी, और ये सामाजिक जागृति के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है जी। भवानी मंडी निश्चित रूप से इस समस्या से काफी जुड़ी हुई है जी, और इस तरह के खबरों से भवानी मंडी के लिए एक सकारात्मक संदेश गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रमोद जी। तो वाकई कहीं ना कहीं भवानी मंडी के साथ साथ पूरा देश ही कह सकते हैं इस बीमारी से जूझ रहा है, महज कुछ चंद पैसों के लिए ये खुले आम ये सफेद जहर बाजारों में बिक रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों बिक रहा है, क्यों इस पर रोक नहीं लग पा रही है, बड़ी बात है कि किस तरीके से नशे में आदमी डूब गया है, उसको ना कल की फिक्र है ना आज की फिक्र है। और नागौर से नरेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ कि भवानी मंडी के अलावा